हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बात करूंगा बायोकेमिस्ट्री के बारे में। लाइफ साइंस का सिलेबस बहुत बड़ा है और उसमें फर्स्ट वो जो आता है वो बायोकेमिस्ट्री आता है, फर्स्ट या सेकेंड में शायद। तो बायोकेमिस्ट्री आपको कैसे पढ़ना है? बायोकेमिस्ट्री के लिए सबसे अच्छी बुक जो है लेहनिंजर, वो बहुत ही पॉपुलर है। सेकेंड मुझे एक बुक मिली है, ये काफ़ी रॉडने बॉयर की है ये बुक, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये काफ़ी अच्छी बुक है, ये इसमें ये इतनी मोटी है और इसमें आपको चीज़ खोलता हूँ तो आप इसका वो देखिए टॉपिक्स देखेंगे। टेबल ऑफ कंटेंट, इंट्रोडक्शन टू द बायोकेमिस्ट्री, इसमें रिसर्च कैसे होता है उस टाइप से बताया गया है। सेफ्टी इन लैबोरेटरी, कीपिंग रिकॉर्ड्स एंड कम्युनिकेटिंग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, यूजिंग बायोकेमिकल रीजंस एंड सॉल्यूशन। ये सबसे ज़्यादा जो लड़कों को प्रॉब्लम होता है कि हम प्रैक्टिकल क्लास में कैसे काम करें, उस सब के लिए बहुत अच्छा दिया है। वाटर प्योरिटी, क्लीनिंग कैसे करते हैं ग्लास वेयर, सॉल्यूशंस क्या है, कंसंट्रेशन और उनका सारा कैलकुलेशन, ये हमें बहुत प्रॉब्लम होता है। प्रिपेयरिंग एंड स्टोरिंग सॉल्यूशंस, ठीक। क्वांटिटेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लिक्विड्स, इसमें भी बहुत प्रॉब्लम होता है। पिपेट्स है, पिपटिंग है, ऑटोमेटिक पिपटिंग डिवाइसेस है। स्टेटिस्टिकल एनालिसिस हम बहुत सारा यूज़ करते हैं एक्सपेरिमेंट में, तो उसमें ये भी सारा दिया है। डिफाइनिंग स्टेटिस्टिकल एनालिसिस, मीन, सैंपल डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन, स्प्रेडशीट में कैसे स्टेटिस्टिक्स करते हैं और इन प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी कुछ दिया गया है। और यूजिंग द कंप्यूटर एंड इंटरनेट फॉर द रिसर्च इन बायोकेमिस्ट्री, इसमें सारा व्हाट इज रिसर्च, व्हाट इज साइंटिफिक मेथड और एसेसिंग द इंटरनेट वेबसाइट्स यूजफुल इन बायोकेमिस्ट्री, ये आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। जनरल लेबोरेटरी प्रोसीजर्स क्या क्या है, पीएच क्या है, वेफर क्या है, इलेक्ट्रोड क्या है, बायोसेंसर्स क्या है, ये हमें बहुत प्रॉब्लम होती है पढ़ने में, तो ये उन बच्चों के लिए है। मेजर्स ऑफ प्रोटीन सॉल्यूशंस, प्रोटीन को कैसे मेजरमेंट न्यूक्लिक एसिड का कैसे करते हैं, ये सब कॉमन प्रैक्टिकल है। बहुत अच्छी बुक है ये, रेडियोआइसोटोप्स इन बायोकेमिस्ट्री। जनरली इसका प्रैक्टिकल नहीं होता है, फिर भी CSIR के लिए बहुत अच्छा है। सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक्स हम काफ़ी करते हैं, ठीक है। प्यूरिफिकेशन एनालिसिस ऑफ बायो मॉलिक्यूल्स, क्रोमेटोग्राफी भी आपने किया होगा, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्रोमेटोग्राफी दिया गया है। और फिर आओगे जेल एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी है, HPLC है, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी है। फिर प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड का कैरेक्टराइजेशन कैसे करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस से जेल वेल बनाना मेथड सारा दिया गया है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या क्या है, फिर स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस है बायोमॉलिक्यूल्स का, UV स्पेक्ट्रोस्कोपी, फ्लोरेसेंस, NMR, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कि बहुत हॉट टॉपिक है। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, जिससे DNA की आइडेंटिफिकेशन में आया था। बायोमॉलिक्यूल्स इंटरेक्शन कैसे होते हैं, ये सिग्नलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोमॉलिक्यूल्स इंटरेक्शन रिसेप्टर, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी है, स्ट्रक्चर एनालिसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। जब आपको स्ट्रक्चर पता होता है तब आपको पता चलता है कि वो कैसे काम करता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है, हमने DNA मॉलिक्यूलर क्लोनिंग एंड एंजाइमोलॉजी, प्रोटीन प्यूरिफिकेशन कैसे करते हैं, प्रोडक्शन कैरेक्टराइजेशन सारा है, ओके। अमीनो एसिड कंपोजिशन यहाँ पे देखने को मिलता है, सीक्वेंसिंग, DNA और अपेंडिक्स सारे दिए गए हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे। लिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉमन एसिड एंड बेसिस, PKa क्या क्या है कॉमन, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपका बायोकेमिकल स्टडीज़ को काफ़ी मदद करने वाले हैं। ये बहुत अच्छी मुझे बुक लगी, इसलिए आप सबसे शेयर करता हूँ। इसमें सारा कुछ दिया गया है, ओके। एक बार फिर से मैं आपको इस बुक का दिखा देता हूँ, रॉडनी बॉयर है बायोकेमिस्ट। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस बुक का लिंक डाल देता हूँ, जहाँ से आप क्लिक करके डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपको एक लिंक मिलेगा, वहाँ पे आप इस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है ये, तो आप इसे लेहनिंजर के साथ साथ में पढ़िए, इससे आपका टेक्निक से स्ट्रॉन्ग होगा।
टेक्निक्स जो कि सीएसआईआर के सिलेबस में है. ओके, थैंक यू.